ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कहा है कि वह 19 मई 2023 को दिए गए अपने उस आदेश में बदलाव करे जिसके तहत परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिला था उस जगह पर वैज्ञानिक सर्वे पर लगी रोक को हटाया जा सके। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पुरातत्व विभाग यानी कि ASI के महानिदेशक को ज्ञानवापी की उस जगह पर सर्वे के निर्देश दे जिस जगह पर कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी, ताकि शील्ड क्षेत्र में मौजूद उस शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि सर्वे को परिसर में बनी नई और कृत्रिम दीवारों छतों को हटाने के बाद ही सर्वे किया जाए। इसके अलावा अन्य सील जगहों पर भी खुदाई और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे किए जाएं और रिपोर्ट अदालत को दी जाए। गौरतलब है कि इससे पहले ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि वजू खाने का ASI सर्वेक्षण कराने की मांग के साथ वे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगे। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वजू खाने क्षेत्र का ASI सर्वेक्षण होगा, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि शिवलिंग है या फव्वारा। फिलहाल वजू खाने क्षेत्र को सील कर दिया गया है, क्षेत्र को साफ कर दिया गया है, इसकी निगरानी अभी वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के पास है। बता दें कि ASI के सर्वे रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष ने न्यायालय से मांगी थी, जिसे जिला जज ने दोनों पक्षों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कई तरह के खुलासे हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा है, अब वो भी हम आपको बताते हैं। ASI ने 839 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है, जो बताती है कि मस्जिद से पहले वहाँ हिंदू मंदिर था। सर्वे में 32 ऐसे जगह प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर मौजूद था। ASI ने जदुनाथ सरकार के इस निष्कर्ष पर भरोसा जताया है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढा दिया गया था। देवनागरी ग्रंथा तेलुगु कन्नड़ में लिखे पुरालेख मिले हैं। जनार्दन रुद्र और विश्वेश्वर के बारे में पुरालेख मिले हैं। एक जगह महामुक्ति मंडप लिखा है, जो ASI के मुताबिक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मंदिर ढहाए जाने के बाद उसके स्तंभों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। तहखाना S2 में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा थी, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तहखाने में मिट्टी के अंदर दबी ऐसी आकृतियां मिली जो उकेरी हुई थीं। एक कमरे में अरबी और फारसी में लिखे पुरालेख मिले हैं, जो बताते हैं कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष यानी कि 1667 से 1677 में बनी। सर्वे में जो पुरालेख मिले हैं उनमें 3 नामों का जिक्र प्रमुखता से है, जनार्दन रुद्र उमेश्वर। तो इस तरह से ASI की रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हो चुका है कि ज्ञानवापी परिसर के भीतर मंदिर के अवशेष हैं, जिसको लेकर अब कोर्ट में बहस चलेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।